भारत ने एक बार फिर से कुछ ऐसा किया है जिससे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर पिछले साल एक सौदा हुआ और उसी सौदे के तहत अब भारत के कुडनकुलम पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी आदि मुहैया करवाने के लिए ईंधन की एक और खेप जल्द ही मिलने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस प्लांट की सभी छह यूनिट पूरी तरह हो जाएंगी तब इसकी क्षमता 6000 मेगावाट की हो जाएगी। इस तरह ये देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट होगा। फिलहाल यहाँ 2 गीगावाट की कैपेसिटी वाली 2 यूनिट ही चल रही हैं। भारत में फिलहाल 7 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता है, लेकिन सरकार 2029 तक इसे डबल करते हुए 13 गीगावाट तक ले जाना चाहती है। पिछले साल भारत और रूस ने इस प्लांट की नई इकाइयों को परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए 10,500 करोड़ रुपए की ये डील की थी। इस डील के बाद रूस दोनों यूनिट को बनाने में मदद कर रहा है। रूसी परमाणु ईंधन कंपनी TVEL JSC इस प्लांट में परमाणु ऊर्जा विभाग को ईंधन और अन्य सामान की सप्लाई करेगी। इस प्रोजेक्ट के अलावा भारत सरकार का फोकस रूस की एक कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने पर भी है। इसके लिए बातचीत जारी है। जानकार बताते हैं कि अगर ये संयुक्त उपक्रम धरातल पर आता है तो इसमें भारत की परमाणु क्षमता काफी बढ़ जाएगी और इससे चीन काफी परेशान होगा। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में चेन्नई से करीब 650 किलोमीटर दूर है और ये प्रोजेक्ट रूसी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। रूस और भारत के बीच पिछले साल कुदनकुलम परियोजना की आखिरी अधूरी 2 यूनिटों के निर्माण को लेकर समझौता हुआ था। जानकारों के मुताबिक भारत सरकार रूस की एक कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की संभावना पर भी विचार कर रही है। निश्चित तौर पर यह ज्वाइंट उपक्रम भारत की परमाणु क्षमता को बढ़ावा देने वाला साबित होगा।